अब मेरी आवाज इस भिवंडी के मंच से समाजवादी पार्टी कार्यालय से जहां तक भी जा सकती है जाए, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश को एक मैसेज देना चाहता हूं कि हर प्रदेश अपने समस्या को हल करने के लिए सीएम चुनता है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने समस्या को ही सीएम चुन लिया है। ये भाजपा सरकार और अंग्रेजों में कुछ फर्क नहीं है। अंग्रेजों का जो काम करने का तरीका था, उन्होंने जो देश को झूठ बोला और गुमराह किया फिर राज किया, ठीक उसी तरह भाजपा की सरकार कर रही है। कोई सवाल करता है, तुम सिर्फ एक ही जवाब देना, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गाय गोबर शमशान पाकिस्तान कब्रिस्तान। तुमसे अगर कोई सवाल, आज वही हो रहा है, आज अगर भाजपा से सवाल पूछो रोजगार पे तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, महंगाई पे सवाल पूछो तो मंदिर मस्जिद करते हैं, जीडीपी गिरते चले जा रही है उस पे बात करो, उस पे सवाल करो तो हिंदू शमशान कब्रिस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं। ये जब से बीजेपी सरकार देश में आई है और महंगाई आई है, गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, पढ़ाई महंगी, रेलवे का किराया महंगा, ऑक्सीजन ट्रेन से पूछो मत, हॉस्पिटल ट्रेन से पूछो मत, गंगा नदी में लाशें बह रही है, सड़ रही है, उस पर इनसे पूछो नहीं। आप महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते चला जा रहा है, किसानों पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार, मुस्लिमों पे अत्याचार, क्या यही है नरेंद्र मोदी की सरकार? देश की जनता पे महंगाई की बहुत हुई मार, नहीं चाहिए अपनी मोदी और योगी की सरकार। देश के किसानों पे बहुत हुआ अत्याचार, नहीं चाहिए मोदी और योगी की सरकार। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, नहीं चाहिए मोदी और योगी की सरकार। मोदी और योगी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है, देश और प्रदेश और उत्तर प्रदेश से योगी जी जाने वाले हैं, देश से मोदी जी जाने वाले हैं और पूरे देश के अच्छे दिन आने वाले हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय समाजवाद, जय भिवंडी।